दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे आंवला की कैंडी। आंवला में विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है, इसके लिए इम्यूनिटी बढ़ाता है। आंवला किडनी, हार्ट, लीवर के लिए अच्छा है और बालों को भी बढ़ाता है। आंवला कैंडी बनाने के लिए मैंने कम से कम 12 से 13 आंवला लिया है। उसको अच्छी तरह धो के स्टीमर में स्टीम करने के लिए रखा है। कम से कम 10 मिनट उसको स्टीम करना चाहिए। 10 मिनट के बाद स्टीमर का ढक्कन खोल दीजिए। अभी आंवला पूरी तरह सॉफ्ट हो गया है, उसे निकाल के ठंड होने के लिए रखिए। ठंड होने के बाद उसका बीज निकाल के उसे छोटे छोटे टुकड़े करके एक बॉल में डाल के रखिए। आंवला में कॉपर, जिंक और क्रोमियम पाया जाता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, साथ में ब्लड वेसल का सूजन को कम करता है। आंवला स्किन को चमकाने और तरोताज़ा रखने में मददगार है। आंवला में फाइबर होता है, इसे रोज़ाना खाने से गैस्ट्रिक समस्या और अपचन दूर होता है। अभी मैंने इसमें आधा कप गुड़ का पाउडर डाल के अच्छी तरह मिक्स करके एक ढक्कन लगा के एक दिन के लिए रख लिया है। एक दिन के बाद ढक्कन खोल दीजिए, उसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए। उसमें पानी छूटा रहता है, इस पानी को एक छानी में डाल के पानी निकाल दीजिए। अभी आंवले के टुकड़े को एक प्लेट में निकाल दीजिए और उसे 2 दिन धूप में सुखा दीजिए। 2 दिन के बाद आंवला इस तरह से ड्राई हो जाते। इसे अभी मैंने चटपटा बनाने के लिए ब्लैक पेपर पाउडर और भुना जीरा पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल दिया है। उसे अच्छी तरह मिक्स कीजिए और उसको एक ढक्कन लगा के ऐसे अच्छी तरह हिला दिए तो वो सभी मसाला उसको अच्छी तरह लगेगा। अभी देख लीजिए, आंवला का कैंडी रेडी हो गया है। ये अभी सॉफ्ट भी हो गया और खाने के लिए भी एकदम टेस्टी बन गया। इसे रोज़ खाना होने के बाद खा लिया तो पाचन क्रिया अच्छा होता है। ये रेसिपी कैसी लगा आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा नया रेसिपी आपको पहले मिले। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।